हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीज कुकिंग शो। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको घर पर जरूर से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है मशरूम की ही रेसिपी है और आज मैं आपको मशरूम की चिली बनाकर बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। बस लेंगे मशरूम, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च, टमाटर का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर। साथ ही हम लेंगे चिल्ली केचप, टोमेटो केचप, मैदा और कॉर्नफ्लोर, गाजर, सिरका, सोया सॉस और लहसुन और अदरक कटा हुआ। और साथ ही हम लेंगे रिफाइन ऑयल, हरी मिर्च कटी हुई बड़ी, प्याज और साबुत जीरा। और अब हमको सूखे मसाले ले लेंगे, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, बुलकी पाउडर और थोड़ा सा दूसरा मसाला। इसमें आप कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, मैं किचन किंग मसाला ले रही हूँ। अब हम पहले मशरूम को एक बाउल में डालेंगे। मैंने मशरूम को चार भागों में काट रखा था। इसके बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच मैदा और उसी मात्रा में हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। उसके पहले पहले नमक डाल लेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कॉर्नफ्लावर पे उतनी मात्रा में ले लिया है। अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच कलर के लिए। हल्दी पाउडर के डाल देने के बाद हम इसमें आगे डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि गुलकी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे, दो चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से हाथ की सहायता से मिला लेंगे। दोस्तों, आप इसको चम्मच से भी मिला सकते हैं, पर हाथ से मिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा और सारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे। हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल चुके हैं और इसमें इसको मैरिनेट होने देंगे। तो देखिए, रेड चिली पाउडर की वजह से इसका कलर ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें फ्रूट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे दोस्तों। जब ये अच्छा से गर्म हो जाए तो हम इसमें वन बाय वन अपने मशरूम के टुकड़े इसमें डाल करके डीप फ्राई कर लेंगे। हमें इसमें कम मात्रा में ही जाकर डीप फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये आपस में चिपक जाएंगे। इसलिए तीन चार पांच टुकड़े, जिस हिसाब से आपकी कढ़ाई की कैपेसिटी हो, आप इस हिसाब से इसको डीप फ्राई कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा हो गया है और काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये लगभग पक भी चुका है। तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। आप भी बिल्कुल इस तरह से इसको निकाल के अलग रख लें। इसी प्रकार हम उसको सारे फ्राई करके हटा लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में आगे का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ जीरा, उसी रिफाइन ऑयल में जिसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल हमारा रह गया था। अगर ना रहे तो आप इसमें और भी रिफाइन ऑयल ऐड करते। साबुत जीरा डाल देने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ अदरक और लहसुन, जो कि मैंने लंबे में काट रखा था। जब ये हल्का सा पक जाए इसको हल्का चला लेंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये हल्का सा ब्राउन हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा प्याज। इसको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है और इसको थोड़ा सा हल्का भून लेंगे। प्याज के पिंक होने के बाद ही हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज हल्का पिंक हो चुका है। हम इसमें डाल दे रहे हैं मिर्च और गाजर, क्योंकि गाजर पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है, साथ ही शिमला मिर्च।
ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि सारी सब्जी मिल जाए और ये पक भी जाए। इस तरह मैं इसको सबको पका ले रही हूँ। इसको कुछ देर तक पका लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ। मैं इसमें आधा चम्मच नमक ले रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक और हल्दी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी भी डाल दिया। अब इसको थोड़ा और पका लूँगी 10 से 20 सेकेंड। देखिए दोस्तों हमारा ये लगभग पक चुका है। अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाले भूनेंगे तभी आपका ये टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, इसलिए मसालों को प्रॉपर वे में भूनना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं इसमें जो भी मैंने सूखे मसाले लिए थे जैसे कि गोलकी पाउडर मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/4 चम्मच, किचन किंग मसाला 1/2 चम्मच के बराबर, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, इसको डाल दिया मैंने। सारे सूखे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी ताकि सूखे मसाले भी थोड़ी तरह से पक जाए और जब ये थोड़ा पक जाए तो मैं इसमें डालूँगी सिरका। लगभग 1 चम्मच के बराबर मेरे पास सिरका बचा हुआ था। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस में डाल देने के बाद मैं इसमें डाल देंगी टमेटो कैचअप जो कि मैंने 1 से 1.5 बड़े चम्मच ले लिए थे और ग्रीन चिली कैचअप भी। साथ ही मैं इसमें टमेटो प्यूरी तैयार करके रखी हूँ फिर से ही, उसको इसमें डाल दूँगी और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाऊंगी। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी जूसी लग रहा है और ये देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो आप इसको इस तरह से करेंगी और अब मैं इसमें भुना हुआ जिसको मैंने फ्राई कर लिया था वो मैं मशरूम इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि सारे मसालों के साथ मशरूम भी अच्छी तरह से मिल जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि जो भी हल्की सब्जियाँ नहीं पकी हों जैसे कि गाजर या शिमला मिर्च या हल्का मशरूम भी जिसको मैंने सिर्फ डीप फ्राई किया था वो कम से कम हल्का सा और पक जाए, तो मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ ताकि वो 10 से 20 सेकंड में ही अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों ये तैयार है। तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और साथ में इसको ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू।